तो दोस्तों बिहार के बहुत ही जाने माने रैपर गैंगस्टर यादव जी बिहार घूमने के लिए पहुंच चुके हैं। इस वक्त पटना के मरीन ड्राइव पे आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए मरीन ड्राइव पे आपके अपने सुपरस्टार रैपर गैंगस्टर यादव जी पहुंच चुके हैं। सबसे पहले पटना के मरीन ड्राइव पे जैसे ही वो उतरे उसके बाद पहले है आइसक्रीम वाला जो यहाँ का बहुत फेमस है उनके पास पहुँचे। देखिए आइसक्रीम वाले के पास पहुँच चुके हैं गैंगस्टर यादव जी। दोस्तों उसके बाद देखिए आइसक्रीम वाले की इनकी रुचि देख सकते हैं, इन्होंने एक अलग तरह से ही इनको लुभाया आइसक्रीम को लेके। फिर ये बहुत देर के बाद इनको आइसक्रीम भी दे दिया और इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। उसके बाद आइसक्रीम खा के देखिए इन्होंने क्या कहा। बिल्कुल ये पटना का सबसे फेमस है। तो दोस्तों आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पे इनसे मिले और फिर निकल गए और उसके बाद ये जो है जा पहुँचे जिक्का लिट्टी वाले के पास। देख लीजिए जो पटना के मरीन ड्राइव पे बहुत ही फेमस है जिक्का लिट्टी वाली उनके पास पहुँच चुके हैं। और देखिए क्या कह रहे हैं। बिहार में ये ऐसा है सर, इधर के बताओ। हाँ बिल्कुल, ये देखिए बना रही हैं जिक्का लिट्टी। उधर दीजिए यहाँ पे देखिए गैंगस्टर यादव जी यहाँ पे मरीन ड्राइव का सबसे फेमस है जो है जिक्का लिट्टी। सर कैसा टेस्ट है? बहुत बेटर जो है करने यहाँ। तो दोस्तों यहाँ से लिट्टी चिक्का लिट्टी खा के निकल चुके हैं आपके अपने स्टार गैंगस्टर यादव जी और यहाँ से जो है ये जाएंगे पटना के सबसे फेमस जगह बोरिंग रोड। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पटना का ये सबसे फेमस जगह है बोरिंग रोड। ये वहाँ जाएंगे और वहाँ के लिए निकल चुके हैं। बोरिंग रोड में सबसे पहले जब ये पहुँचे तो गाड़ी से उतरे और यहाँ से उतरने के बाद ये बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले ये उतरे और उसके बाद पहुँच गए एक्टर सीधा एक्टर चाय वाले के पास। एक्टर चाय वाले के पास गए, सबसे मिले और सबसे इन्होंने हालचाल भी लिया। और देखिए एक्टर चाय वाले जो है क्या बोल रहे हैं। और ये मेरा सोशल मरीन ड्राइव पे बोल रहा हूं। कैसा लग रहा है सर आए चाय पीने? बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया और बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। अच्छा भैया रैप, भैया के रैप जो है बहुत ही अलग टाइप के होते हैं और बिहार के ऊपर होते हैं। भैया एक रैप हो जाए चाय। वीआईपी नंबर है खोखा के गाड़ी, गर्दन भर भर सोना लाखों के डाली, लाइसेंसी कार में देसी पॉकेट में डाली, राज करे यादव लोग बोले सुपर बिहारी, यादव जी भयंकर रोब रखे भौकाली, यादव जी बवंडर पूरा पूरा भौकाली। क्या बात है भैया, ये भाई इनका जलवा और गैंगस्टर यादव जी का और इन्होंने अलग माहौल बना दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ से जब निकल के एक्टर चाय वाले से पहुँचे फिर पहुँचे मटन खाने जो चंपारण मीट हाउस है पटना का सबसे बहुत जो फेमस है चंपारण मीट हाउस, वहाँ पे पहुँच गए हैं मटन खाने के लिए। और देखिए मटन खाने के लिए जैसे ही पहुँचे इनको देखकर जो पब्लिक का रिएक्शन है वो एक अलग सा रह गया, हक्का बक्का रह गया पब्लिक की कौन आया है कौन आया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मटन खाने के लिए गैंगस्टर यादव जी जब पहुँचे अंदर बैठे, थोड़ी देर इनको वेट करना पड़ा। जब वेट किए तो उसके बाद जो है मटन वाला इनके पास पहुँच गया मटन लेके और ये मटन खाना स्टार्ट किए। और मटन खा के देखिए इन्होंने यहाँ का जो है स्वाद के बारे में भी बताया कि भाई मटन कैसी है, क्या टेस्ट है। देखिए मटन बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। नाम सुना था, आया हूँ मैं और खा के वाकई वो नाम लग रहा है कि सही रखा है। चंपारण मटन और पूरा चंपारण मटन वाला पूरा एकदम मस्त है, बहुत अच्छा है, टेंडर सॉस एक नंबर। तो देखिए दोस्तों मटन यहाँ पे इन्होंने खा लिया और खा कर निकल गए हैं। मटन खा के ये चंपारण मीट हाउस से निकले और यहाँ से सीधे निकल गए ये होटल के लिए। देखिए यहाँ पे होटल पे पहुँच के क्या बोले। सर कैसा लगा ये टूर करके? बहुत अच्छा लगा मुझे, बिहार उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और बहुत मज़ा आया। हम लोग मरीन ड्राइव पे गए, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बार बार आना चाहूँगा। बिल्कुल सर, और बिहार के जो मंत्री हैं सर लालू यादव जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव जी से आपने मिला, उनसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, उनकी पर्सनैलिटी उनके बातचीत का अंदाज है सबको ही भाता है,
तो आज मुझे पास से करीब से देखने का मिला। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही प्यार से उन्होंने हमारा मान सम्मान किया, हमें टाइम दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें करी उन्होंने। और देखो आशीर्वाद दिया भैया ने, फाड़ेंगे अच्छे से, एकदम बढ़िया करेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका भी नाम क्या है? बाद यादव लगता है, टाइटल सेम है, तेज प्रताप यादव और गैंगस्टर यादव। तो क्या लगता है सर, कुछ धमाल होगा उनपे, कुछ रैप वगैरह आएगी उनपे? बातचीत करेंगे भैया से, वैसे बातचीत मैंने करी थी थोड़ी सी पर वक्त की कमी थी भैया के पास, तो आने वाले टाइम में देखो अगर भैया ने कुछ ऐसा बोला तो जरूर करेंगे हम लोग। बिल्कुल, बस इसी काम के लिए तो है कि हमने धमाका ही करना और क्या। बिल्कुल सर। और हालांकि आपने वायरल आइसक्रीम वाले के पास भी गया, उसके बाद चिका लिट्टी भी खाया, ये सारी मरीन ड्राइव घूमी, कैसा लगा ये सारी पटना की? बहुत अच्छा है, मैंने व्लॉग्स में देखे थे, लोकल जो व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने आइसक्रीम वाले तो बहुत वो घुमा फिरा के दिया मेरे को। बिल्कुल, और उनकी कला बहुत अच्छी थी। फिर एक्टर चाय वाले के पास गया मैं, हांडी दम चंपारण जो मीट है वो खाया मैंने। मतलब कुल मिला के मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, खाने का भी मजा आ गया और तेज प्रताप भैया से मिलने का भी मजा आ गया। और छपरा में भी मिला था मैं गुड्डू यादव भैया से, तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया मेरे को। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब दिल लग गया, इमोशनली मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं नॉलेज की तरह लेके मैं जुड़ा हुआ था कि हाँ बिहार ऐसा है वैसा है, मैं आता नहीं था कभी यहाँ पे, मेरे को मालूम नहीं था कि क्या है यहाँ पे। यहाँ के लोगों ने ही मुझे सपोर्ट करा, भाइयों ने सपोर्ट करा मेरे को, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ मैं बहुत जल्द आऊँगा, अब मेरा मैं नहीं छोड़ता पीछा बिहार का। बिल्कुल सर, लिट्टी चोखा कैसा लगा? स्पेशली बिहार का सबसे ज़्यादा फेमस है लिट्टी चोखा, तो देखो बिहार में क्या पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लिट्टी चोखा खाया मैंने, बहुत अच्छा लगा। मतलब कह लो ना जो है उंगली पे करते रहते हैं एक के बाद एक, मुंह में स्वाद लेने के लिए जो बच जाता है, तो बहुत वैसे ही था स्वाद। नॉट इवन लिट्टी चोखा, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, एवरीथिंग वाज एक्सट्रीमली गुड, मजा आ गया। सर अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे जो आपको चाहते हैं, आपके गाने को इतना प्यार? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मुझे इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि मैं यहीं पर ही बस जाऊँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।